नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम वाइबैक्ट कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइबैक्ट कैप्सूल के अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइबैक्ट कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वाइबैक्ट कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और वाइबैक्ट कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वाइबैक्ट कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वाइबैक्ट कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। वाइबैक्ट कैप्सूल का उपयोग दस्त होने पर किया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से दस्त होने पर भी वाइबैक्ट कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की वजह से हमारे शरीर की आंतों में मौजूद बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से दस्त हो जाते हैं। वाइबैक्ट कैप्सूल में अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वाइबैक्ट कैप्सूल अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा वाइबैक्ट कैप्सूल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होने पर और पेट की आंतों से संबंधित कोई अन्य बीमारी होने पर डॉक्टर वाइबैक्ट कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइबैक्ट कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वाइबैक्ट कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में वाइबैक्ट कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट से गैस निकलना, पेट में दर्द और पेट में भारीपन हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइबैक्ट कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वाइबैक्ट कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर वाइबैक्ट कैप्सूल को दिन में एक से लेकर दो बार लेने की सलाह देते हैं। वाइबैक्ट कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको वाइबैक्ट कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइबैक्ट कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वाइबैक्ट कैप्सूल और एंटीबायोटिक दवाओं को एक साथ नहीं लेना चाहिए। वाइबैक्ट कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवा को लेने से कम 2 से 3 घंटे पहले लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वाइबैक्ट कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वाइबैक्ट कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वाइबैक्ट कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।